नमस्कार, जोहार आदाब। मैं अमित सिंह और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। झारखंड में एक साथ 9 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हाहाकार मच गया है। राज्य में बुधवार देर रात कोरोना वायरस के 9 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। यहां अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 13 हो गई। पॉजिटिव मामलों में 5 रांची के हिंदपीढ़ी से और 4 बोकारो के हैं। सिविल कि सभी संदिग्धों की जांच रिपोर्ट बुधवार देर रात आई है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में पूर्व में 4 मामलों के अलावा 9 और मामले बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि हिंदपीढ़ी से सोमवार को भर्ती कराई गई 54 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में आने से 5 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं 4 अन्य लोग बोकारो के पॉजिटिव महिला के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। बताते चलें कि सोमवार को जिला प्रशासन की टीम द्वारा हिंदपीढ़ी की पॉजिटिव महिला को जिस एम्बुलेंस में रिम्स भेजा गया था, उसी एम्बुलेंस में उसके परिवार के अन्य सदस्य भी रिम्स पहुंचे थे। ऐसे में यह जिला प्रशासन की लापरवाही को भी दर्शाता है। राज्य में बुधवार सुबह तक 4 पॉजिटिव मामले थे, जिसमें 2 रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में, 1 बोकारो और 1 हजारीबाग के थे। एक ही दिन में अचानक से संख्या बढ़कर 13 हो गई है। अचानक से 9 नए मामले आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। पूरे राज्य भर के लिए खतरे की संकेत हैं। अगर अब भी लॉकडाउन का सही तरीके से पालन नहीं किया गया तो मामले और तेजी से बढ़ सकते हैं। हम चलिए बात करते हैं कहां और कब कितने केस कोरोना वायरस संक्रमण के मिले हैं। 31 मार्च का वो दिन रांची के हिंदपीढ़ी में मस्जिद में पकड़ी गई मलेशिया मूल की तबलीगी महिला कोरोना संक्रमित मिली। वहीं दूसरी बार 2 अप्रैल को हजारीबाग के विष्णुगढ़ के एक व्यक्ति में मिला संक्रमण, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लौटा था। 5 अप्रैल को बोकारो के चंद्रपुरा के तेलो गांव की महिला निकली कोरोना वायरस संक्रमित। 6 अप्रैल रांची के हिंदपीढ़ी में एक और महिला मिली कोरोना पॉजिटिव। और वहीं 8 अप्रैल को रांची के 5 और बोकारो के 4 लोग मिले कोरोना से संक्रमित। रांची की हिंदपीढ़ी की 54 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला के किडनी का इलाज रांची के बूटी मोड़ स्थित नेफ्रॉन क्लिनिक में चल रहा था। महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने अब उस क्लिनिक को भी सील कर दिया है। खतरे को देखते हुए संचालक समेत इलाज के लिए आने वाले सभी भर्ती 23 मरीजों को क्वारंटाइन करते हुए रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। महिला के संपर्क में आए सभी संदिग्धों का सैंपल लिया जा चुका है। फिलहाल इन सबकी रिपोर्ट आनी बाकी है। रिम्स के चिकित्सकों के अनुसार इनमें से कुछ मरीजों का डायलिसिस भी किया जाना है। प्रशासन ने हिंदपीढ़ी और तेलों में लगातार लोगों की स्क्रीनिंग कर पूरे इलाके में कंप्लीट लॉकडाउन लागू कर दिया है। झारखंड में बुधवार को कुल 204 लोगों के सैंपल की जांच हुई। अब तक की बात करें तो झारखंड में कुल 1315 लोगों की जांच हुई है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। हम यूं ही ताजा तरीन अपडेट्स आपके लिए हर पल हर संभव खबर आपके बीच लाते रहेंगे।